अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पूरे देश में शायद ये पहला उदाहरण होगा जिसमें एक राज्य सरकार दूसरे राज्य के शिक्षकों को वेतन दे रही है। ऐसा झारखंड में हो रहा है, जहां के करीब 300 शिक्षकों को उड़ीसा सरकार वेतन दे रही है। ये शिक्षक कोल्हान के 40 स्कूल्स में उड़िया पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उड़ीसा सरकार ने की हो, इसके बावजूद सिर्फ ओडिया भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वहां की सरकार राशि खर्च कर रही है। यही नहीं, ओडिशा सरकार ओडिया की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराती है। सैलरी हमारा यहां स्कूल से मिलता है। स्कूल से मतलब कौन है? कमिटी मैनेजिंग स्कूल है तो सैलरी जो कमिटी टीचर है, जो प्योर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट सैलरी उन लोग का अलग है। कमिटी अपॉइंटमेंट जो भी है उनको कमिटी देती है, प्लस 6 टीचर ऐसे हैं। क्या कमेटी है? क्या नाम है कमेटी का? गुलमुरी उत्कल समाज, वहाँ का मैनेजिंग कमेटी जो भी है वो लोग पेमेंट करते हैं। और 6 टीचर ऐसे हैं जो मैंने उसी में से उत्कल सम्मिलनी पेमेंट करते हैं उड़ीसा वाला भुवनेश्वर। इन्हीं के प्रयास से 1936 में उड़ीसा स्वतंत्र राष्ट्र के हिसाब से मान्यता मिला। अभी उत्कल सम्मिलनी के हम केंद्रीय उपसभापति हैं एवं पूर्वी सिंहभूम शाखा के सभापति हैं। हम लोग जमशेदपुर लेकर के पूर्वी सिंहभूम में मोटा मोटी 63 टीचर्स काम कर रहे हैं 35 से ज़्यादा स्कूल में। और ये लोग का मानदेय जो होता है, हम लोग अपॉइंटमेंट होने के बाद ये लोग का बैंक खाता डिटेल्स सब उड़ीसा गवर्नमेंट को भेजते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करता है, इनका खाता में हर साल में 10 महीना का सैलरी देता है और 3000 रुपया करके मानदेय कर करके वो अपना बैंक खाता में ट्रांसफ़र कर देता है। मेरा ये कहना है कि हमारी झारखंड सरकार जो है बहुत जुमले में चैम्पियन है और नारों में बहुत चैम्पियन है। लाख लोगों को रोज़गार ये हर दूसरे चौथे दिन दे रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का भी ज़रा सा एहसास नहीं कि जो हमारा उड़िया भाई के स्कूल हैं और उन स्कूलों में जो शिक्षक पठन पाठन करवा रहे हैं उनको मानदेय उड़ीसा सरकार दे रही है। क्या झारखंड सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है? उड़ीसा सरकार का ये बड़प्पन है और इस सरकार की ये नाकामी है और ये सरकार का निकम्मापन है कि जो हमारे जो है पारा टीचर हैं उनको लाठी मारा जा रहा है, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। सरकारी विद्यालय जो पूर्णतया सरकारी विद्यालय हैं उनका वेतन भुगतान सरकारी राजस्व और कोष से होता है, कोषागार से। दूसरे हमारे अपने यहाँ वे विद्यालय हैं जो कि एडेड हैं, या तो माइनॉरिटी एडेड हैं या जनरल एडेड विद्यालय हैं, अर्थात वो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। वो एक्चुअली गैर सरकारी हैं जिनके शिक्षकों की नियुक्ति उनकी कमेटी करती है, विद्यालय प्रबंध समिति, और सरकार उसे अनुमोदित करती है निदेशालय के द्वारा, उनका अनुमोदन प्राप्त होता है। तो वैसे शिक्षकों का वेतन भुगतान के लिए सरकार 100% अनुदान प्रदान करती है। झारखंड में शिक्षकों को इस तरह उड़ीसा सरकार का वेतन देना क्या शिक्षा जगत से खिलवाड़ नहीं है? ऐसे में प्रश्न उठता है कि कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। जमशेदपुर से न्यूज़ के लिए इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।